इम्तिहान में कामयाबी का वजीफा। बहुत सभी के तालीमी बोर्ड कंजुल मदारिस के तहत अल्हम्दुलिल्लाह तलबा और तालिबात का इम्तिहान जारी है। तमाम तलबा और तालिबात और मुमतहिनीन की खिदमतों में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पहले तो मैं आपको इम्तिहान में पास होने का एक वजीफा अर्ज करता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठ जाए पर्चे को उलट दें और أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون पढ़ने के बाद بسم الله الرحمن الرحيم पढ़कर सूरह वद्दुहा पूरी पढ़ें और अब पर्चे को सीधा करके उस पर दम करें और अपने ऊपर दम कर दें। कलम है तो कलम पर भी दम कर दें और अब इम्तिहान अल्लाह का नाम लेकर देना शुरू करें। इस दिन ही इम्तिहान में इंशाअल्लाह आप बेहतरी महसूस करेंगे, वो याददाश्त भी काम करेगी, अल्लाह करेगा तो कामयाबी भी नसीब होगी। औरत बारी के दिनों में सूरह दुहा न पढ़े बल्कि दुआ की नीयत से सूरतुल फातिहा पढ़ ले। ज़हन ये बनाना, दुनिया भी इम्तिहान आसान है, कब्र का इम्तिहान, क़यामत का इम्तिहान, ये भी अल्लाह पाक बगैर इम्तिहान के पास कर दे तो उसकी रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह पाक आप सबको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आपकी अपनी दावत इस्लामी के लिए खूब दीनी काम करते रहे, 12 दीनी काम की धूमधाम करते रहे। अब माह रमजान शरीफ की तशरीफ आवरी अनकरीब होनी है तो मेहरबानी करके फैजान रमजान अव्वल ताखिर पूरी पढ़नी है या सुन लेनी है। तादाद है जो मुसलमानों की रोजों से भी दूर होती जा रही है बदकिस्मती से, तो जितना हो सके आपको कोशिशें करनी है। जो रोजा नहीं रखते उनको रोजे रखवाने हैं, पाबंदी से बाद जमात नमाजें पढ़नी है, सुन्नतों वाला लिबास पहनना है और हर वक्त सर पर इमामे का ताज इस तरह भाइयों के सर पर रहे। और मेरी मदनी बेटियां जो हैं वो सारे इस्लामी पर्दा अपने ऊपर जरूर नाफिज करें। अल्लाह पाक आपको, आपके माँ बाप को और भाई बहनों को सबको बेहिसाब मगफिरत से मुशर्रफ फरमाए। मेरे लिए भी मगफिरत की दुआ करें कि मैं भी बेहिसाब बख्शा जाऊँ और हम सब हज करें, मीठा मदीना देखें, काश महबूब के सब्ज सब्ज गुंबद के साए में कलमा पढ़कर शहादत का जाम पीकर जन्नतुल बकी में आराम से सोएं और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस पाएं। अल्लाह माफ़।